एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर ब्लर इमेज को कैसे क्लियर करते हैं, बहुत सिंपल और इजी तरीका है। तो देखिए एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर जब भी हम लोग कोई इमेज लेकर आते हैं तो वो इस तरह से ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो इसको कैसे सही करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर पहले आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने पेज ले रखा है। अब मैं एक इमेज लेकर आता हूँ तो फाइल में गया, यहाँ प्लेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए बहुत सारे इमेजेस आपको दिख रहे हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पेज में इस तरह से मैंने इमेज को ड्रैग किया, देख सकते हैं, देखिए ये ब्लर आपको दिख रहा है। तो इसके दो तरीके हैं इसको सही करने का। सबसे पहले इमेज के ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे हाई क्वालिटी डिस्प्ले है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मेरा जो इमेज था, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया, देखिए जो ब्लर था वो चला गया। एक और तरीका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप दूसरे तरीके से भी वो ऑप्शन ला सकते हैं। फिर से इमेज लेकर आते हैं, प्लेस में गया और सेम वही इमेज लेकर आते हैं, इस पर क्लिक किया, फिर ओपन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया, देखिए यहाँ पे ब्लर है। अब दूसरे तरीके से आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी डिस्प्ले है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो देखिए यहाँ भी इमेज देख सकते हैं, ब्लर जो था वो चला गया, क्लियर हो गया ब्लर। तो इस तरह से एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर हम लोग कोई भी इमेज जो लेकर आते हैं वो क्लियर नहीं दिखता है तो ब्लर दिखता है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।